हेलो एवरीवन, कोमल्स किचन एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपके साथ में एकदम सॉफ्ट दही वड़े की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। तो रेसिपी की शुरुआत करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए हमारी आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो दही वड़ा बनाने के लिए हमने यहाँ पर उड़द की दाल ली है। दाल को हमने 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लेना है, फिर इसे 4 से 5 घंटे के लिए भिगोकर रख देना है। तो 5 घंटे के बाद में आप देखेंगे कि दाल एकदम सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब इस दाल को हमने मिक्सर ग्राइंडर में क्रश कर लेना है। तो दाल को क्रश करते टाइम हमने इसमें थोड़ा भी पानी नहीं डाला है। अगर आपको जरूर लगे तो 1 से 2 चम्मच जितना ही पानी डालिए आप, और इस तरह से इसका एकदम फाइन पेस्ट बना लेना है। अब इस मिक्सर को हमने एक बर्तन में ट्रांसफर कर लेना है। इस मिक्सर को हमने कंटिन्यूसली मिक्स करते रहना है। इसे कंटिन्यूसली मिक्स करने से बैटर हमारा एकदम हल्का हो जाएगा, जिससे वड़े एकदम सॉफ्ट बनेंगे। तो हमारा बैटर तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। अब इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो वड़े बनाने के लिए मिक्सर तैयार हो चुका है। अब हम वड़े बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। तो वड़े बनाने से पहले हमने हाथ पर थोड़ा सा पानी लगा लेना है, फिर इस बैटर को लेके हमने तेल में डाल देना है। तो इस तरह से हमने वड़े बना लेने हैं। तो जब आप वड़े को फ्राई करें तो आपका तेल एकदम गर्म होना चाहिए। फिर हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे, फिर लो फ्लेम पर हमने इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। तो आप देख सकते हैं वड़ों का कलर चेंज हो चुका है, एकदम गोल्डन हो चुके हैं ये। अब इसे हमने एक बर्तन में निकाल लेना है। तो इसी तरह से हमने सारे वड़े फ्राई कर लेने हैं। तो यहाँ हमारे सारे वड़े फ्राई हो चुके हैं।
अब एक बर्तन में हमने हल्का सा गर्म पानी लिया हुआ है, इसके अंदर हमने थोड़ा सा नमक डालना है। अब इस पानी में हमने एक एक करके जो हमने वड़े फ्राई किए थे इन वड़ों को डाल देंगे। पांच मिनट तक हमने इन वड़ों को सोक कर लेना है पानी में। तो दाल वड़े अच्छे से पानी में सोक हो चुके हैं। तो इन वड़ों को हमने हल्का सा प्रेस करके हमारे सर्विंग बाउल में अरेंज कर देना है। तो वड़े अरेंज हो चुके हैं। अब हमने यहाँ पे फेटा हुआ दही लिया है। दही में हमने थोड़ी सी चीनी और नमक डाला हुआ है। इस दही को हमने सारे वड़ों के ऊपर डाल देना है। अब इसके ऊपर हम ग्रीन चटनी डालेंगे। इसके बाद हम इसमें इमली की चटनी डालेंगे। थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर स्प्रिंकल कर देंगे इसके ऊपर। थोड़ा सा जीरा पाउडर डालेंगे। आप चाहो तो थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल सकते हो ऊपर से। तो लीजिए, बिल्कुल टेस्टी एंड सॉफ्ट सॉफ्ट दही वड़े तैयार हैं। तो हमारी आज की ये रेसिपी अगर आप सभी को पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए।